like a Hellcat. सो पार्ट 11 के स्टार्टिंग में पहले हमें वही वीडियो दिखाई जाती है जो कि एरन है एज ए क्लब प्रोजेक्ट सभी बॉयज के साथ मिलकर बनाई थी, पर उसमें ट्विस्ट ये होता है कि उसमें घोस्ट गर्ल हर रोमांटिक सीन के आगे आकर क्रॉस करके दिखाती है, मतलब कि टीनेज रोमांस इज नॉट अलाउड, यही इनके वीडियो का टाइटल होता है, जिसे जब जैसी ये सभी सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं बट इनकी वीडियो पर बिल्कुल भी अच्छे व्यूज नहीं आते, मतलब कि एक तरह से इनकी वीडियो फ्लॉप हो चुकी थी, जिस वजह से ये सभी यहाँ बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वीडियो का फ्लॉप होना मतलब अब उनका क्लब प्रोजेक्ट फेल हो जाना, इसलिए यहाँ ये सभी बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं। पर फिर सबको उदास देख लिफ्ट ऑयल सबको हिम्मत देते हुए सॉन्ग सिंग करने लग जाता है कि कोई नहीं सब ठीक हो जाएगा, जिसका सपोर्ट घोस्ट गर्ल भी करती है, और बस फिर ये सभी साथ में सॉन्ग सिंग करने लग जाते हैं, जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि एरा और स्पॉइल अब भी इस बारे में ही बात कर रही होती हैं, जहाँ स्पॉइल एरा से पूछती है कि अगर हमारा क्लब बंद हो गया तो फिर तुम नेक्स्ट ईयर कौन सा क्लब ज्वाइन करोगी, जिस पर एरा कहती है कि तुम जिस क्लब को ज्वाइन करोगी मैं भी वही क्लब ज्वाइन कर लूंगी, मतलब कि आगे भी हम दोनों साथ में ही रहेंगे, और साथ ही साथ एरा स्पॉइल को मोटिवेट भी करती है, हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए क्योंकि क्या पता हमारे व्यूज कम हैं, पर क्या पता हमारा प्रोजेक्ट स्कूल वालों को पसंद आ जाए और फिर वो हमारा क्लब बंद नहीं करें, तो ये सुन स्पॉइल को फिर थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद फिर जब एरा की टीचर एरा को अपने ऑफिस बुलाती हैं ये जानने के लिए कि अब वो अपने क्लब को बंद होने से कैसे बचाएगी, जिस पर वो बोलती है कि मैं अपनी साइड से पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ, और फिर घर आकर भी इसी बारे में सोचने लगती है कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए, इसका मतलब कि एरा यहाँ बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। जिसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि जब एरा अपना लॉकर खोलती है तो उसे उसमें स्माइलिंग बियर की साइड से लॉलीपॉप रखी हुई मिलती है, इस नोट के साथ कि आजकल तुम इतनी परेशान क्यों रह रही हो, टेंशन मत लिया करो सब ठीक हो जाएगा, कि तभी एरा की नज़र नीचे फ्लोर पे पड़े ग्लू पे पड़ती है जो कि गलती से एरा के लॉकर से स्माइलिंग बियर ने गिरा दिया होगा, तो उसे देख एरा को आइडिया आता है कि क्यों ना इसी चीज की हेल्प से स्माइलिंग बियर का पता लगाया जाए, क्योंकि जो भी स्माइलिंग बियर होगा उसके शूज में भी तो ग्लू लगा हुआ होगा, इसलिए फिर एरा फ्लोर पर दिख रहे फुटप्रिंट की फोटो लेकर उन्हें फॉलो करती हुई बाहर आ जाती है, जहां सबसे पहले एरा को प्ले दिखता है जो कि गिटार बजा रहा था, बट जब एरा प्ले के शूज चेक करती है तो वो बिल्कुल साफ थे, मतलब कि उन पर ग्लू नहीं लगा हुआ था, इसका मतलब कि प्ले स्माइलिंग बियर नहीं है। जिसके बाद फिर एरा आगे आकर बेंच पे बैठ जाती है और सोचने लगती है कि क्या वो कभी स्माइलिंग बियर को ढूंढ भी पाएगी कि नहीं, कि तभी एरा के पास अचानक से पॉक आकर बैठ जाता है और उसको 90s का एक सॉन्ग सुनाने लगता है, जहां जब जैसी एरा सॉन्ग सुन ही रही होती है कि तभी उसकी नजर पॉक के शूज पे पड़ती है जो कि गंदे थे, मतलब कि उन पर हल्का सा ग्लू लगा हुआ था, तो ये देख एरा काफी हैरान हो जाती है, और फिर जब जैसी जल्दी से अपना मोबाइल निकाल कर उन्हें क्लब रूम वाले प्रिंट से मैच करती है तो वो भी बिल्कुल मैच हो जाते हैं, इसलिए बिना देरी करते हुए एरा डायरेक्ट पॉक से पूछ ही लेती है कि पॉक क्या तुमने मेरे लॉकर में वो लॉलीपॉप रखी थी, जिस बात को सुन पॉक भी हैरान हो जाता है पर वो कुछ बोलता नहीं, तो फिर एरा वो सभी चीजें गिनवाने लग जाती है जो अब तक स्माइलिंग बियर एरा को दे चुका है, ये पूछते हुए कि क्या ये सब सामान तुमने मेरे लॉकर में रखा था, बट पॉक अब भी कोई रिप्लाई नहीं देता और फिर काफी सोचने के बाद बोलता है कि हाँ, तो ये सुन एरा बहुत बुरी तरह शॉक हो जाती है और फिर गुस्से से पूछती है कि क्यों, मतलब कि तुमने वो सब सामान मेरे लॉकर में क्यों रखा, जिस पर पॉक भी थोड़ा गुस्से से आंसर देता है कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एरा, मतलब कि मेरा स्टार्टिंग से तुम्हारे ऊपर क्रश था, पर डर के मारे मैंने कभी तुम्हें ये बात नहीं बताई, जिन बातों को सुन एरा फ्रीज हुई भी बैठी रह जाती है, और फिर पॉक पूछता है कि अब तो तुम्हें सब पता चल चुका है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारी भी फीलिंग्स जानना चाहूँगा कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, जिस पर एरा मन ही मन बोलती है कि फाइनली मुझे वो पर्सन मिल ही गया जो कि मुझे पसंद करता है, इसलिए अब मुझे भी उस पर्सन को लाइक बैक करना चाहिए, बट लाख कोशिश करने के बाद भी एरा के मुंह से पॉक के लिए एक वर्ड तक नहीं निकलता, इसलिए वो उठकर वहां से जाने लगती है, जिसे जाता देख पॉक बोलता है कि मैं तुम्हारे आंसर का इंतजार करूंगा, बट एरा तब भी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और फिर अपने घर आकर पॉक के दिए हुए सभी गिफ्ट्स को देखते हुए कुछ सोचने लगती है, और फिर बाद में भी टेडी बियर को देखते हुए पॉक के बारे में ही सोचती है,
जिसके बाद फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि पॉक कैसे छुप छुप के एरा के लॉकर में वो सभी गिफ्ट्स रखा करता था। मतलब कि कैसे पॉक ने एरा के लिए शूज रखे, फिर प्लांट रखा, फिर केक रखा और फिर लॉलीपॉप रखी। मतलब कि पॉक बहुत खुश होकर एरा के लिए वो सभी गिफ्ट्स रखता था। फिर हम देखते हैं कि जब नेक्स्ट डे एरा क्लब रूम आती है तो वहाँ पॉक बैठा हुआ होता है, जो कि एरा के पास आकर पूछता है कि क्या मैं भी यहाँ बैठ सकता हूँ, जिस पर जब जैसी एरा हाँ बोल देती है तो फिर पॉक एरा के पास बैठकर उससे अपने गिफ्ट्स के बारे में पूछने लगता है कि क्या तुम्हें वो सभी पसंद आए थे, जिस पर एरा काफी शॉक होकर जवाब देती है कि हाँ, पर अगर तुम मुझे पसंद करते थे तो तुमने मुझे डायरेक्ट आकर ये बात बताई क्यों नहीं। तो इस पर पॉक बताता है कि इसलिए क्योंकि मैं डरता था कि पता नहीं फिर तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी। तो फिर एरा पॉक से उन मैसेजेस के बारे में पूछने लग जाती है जो कि स्माइलिंग बियर आईडी के नाम से आते थे। बट पॉक बोलता है कि मैसेजेस, मैंने तो तुम्हें कभी कोई मैसेजेस नहीं करे। तो ये जानकर एरा काफी शॉक हो जाती है और फिर अपना मोबाइल निकाल कर स्माइलिंग बियर के वो सभी मैसेजेस पॉक को दिखाती है। बट वो बोलता है कि मैं स्माइलिंग बियर के नाम से तुम्हारे लॉकर में सामान रखता जरूर था, पर ये सब मैसेजेस मैंने तुमको नहीं किए। तो ये जानकर एरा काफी हैरान हुई भी होती है कि मतलब लॉकर वाला स्माइलिंग बियर अलग है और ऑनलाइन वाला स्माइलिंग बियर अलग। इसलिए एरा जल्दी से क्लब रूम से बाहर आकर स्पॉइल को भी ये सारी बात बताने लगती है कि स्माइलिंग बियर दो अलग अलग पर्सन है, इसलिए अब मैं ऑनलाइन वाले स्माइलिंग बियर को कैसे ढूंढूं। कि तभी कोई वहां आकर बोलता है कि जो तुम्हें स्माइलिंग बियर आईडी से मैसेजेस करता है वो मैं हूँ। तो ये देख एरा हैरान हो जाती है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि नियो था। देन नियो बताता है कि वो एरा को बहुत ही ज्यादा लाइक करता है, इसलिए उसने स्माइलिंग बियर नाम की आईडी बनाकर एरा से अपनी लव फीलिंग्स को शेयर करना शुरू किया था, जिन बातों को सुन एरा बस शॉक हुई भी रह जाती है। कि तभी फिर हमें नियो का भी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि नियो वो पर्सन है जिसने सबसे पहले एरा को लाइक करना शुरू किया था, मतलब कि पॉक से भी पहले, क्योंकि जब उसने एरा को फर्स्ट टाइम देखा था तो उसे वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगी थी, जिसके बाद से फिर नियो ने एरा को छुप छुप के देखना शुरू कर दिया क्योंकि उसको एरा बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। और फिर जब नियो को पता चलता है कि एरा ने अपने खुद का एक क्लब खोला है तो नियो तभी अपना फोटोग्राफी क्लब छोड़कर एरा का क्लब ज्वाइन करने आ गया। बट उस टाइम एरा ने बिल्कुल भी नियो को भाव नहीं दिया था क्योंकि वो नियो को इग्नोर कर रही थी। फिर एक दिन नियो ने एरा के लॉकर में टेडी बियर रखा हुआ देखा, जिसे देख नियो को एरा से बात करने का एक आइडिया आया और फिर उसने तभी स्माइलिंग बियर नाम से आईडी क्रिएट करके एरा को मैसेजेस करना शुरू कर दिया। और साथ ही नियो ही वो पर्सन था जिसको टीचर ने शर्ट अंदर करने के लिए डांटा था, जिसकी आवाज एरा और स्पॉइल ने भी सुन ली थी। एंड जब क्लब रूम में स्पॉइल और एरा ने स्माइलिंग बियर को कॉल की थी तो तब नियो का मोबाइल साइलेंट पे था, जिस वजह से वो उसको पकड़ नहीं पाई थी। जिन सब बातों को बताकर अब नियो एरा से उसका आंसर पूछता है कि क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो, जिसको एरा कोई जवाब नहीं देती और वहां से जाने लगती है। बट एरा को जाता देख नियो एरा से कहता है कि ये स्माइलिंग बियर तुम्हारे जवाब का वेट करेगा। बट एरा उस टाइम इतनी कंफ्यूज होती है कि वो बिना कुछ बोले जल्दी से वहां से चली जाती है। वेला भी स्पॉइल एरा से मिलने उसके घर आती है, जहां वो एरा को जल्दी से किसी एक पर्सन को चूज करने की एडवाइस देती है क्योंकि अब एरा उन दोनों के साथ तो रिलेशन में रह नहीं सकती। और यही बात एरा को भी परेशान कर रही होती है कि उसे हमेशा से स्माइलिंग बियर के बारे में पता लगाना था, पर अब जब उसे सब पता चल चुका है तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। वेल, अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब एरा क्लब रूम में बैठी हुई होती है तो तब न्यू भी एरा के पास ही बैठा हुआ होता है। जिन दोनों को साथ बैठा हुआ देख पॉक जेलस फील करते हुए एरा के पास आकर बैठ जाता है और एरा से पूछता है कि तुम कौन सा सॉन्ग सुन रही हो, क्या मैं भी उसे सुन सकता हूँ। जिस बात को सुन एरा परेशान होकर अपने हेडफोन का वॉल्यूम तेज कर लेती है। तो फिर पॉक एरा के क्लोज आकर सॉन्ग सुनने लग जाता है और फिर बोलता है कि नाइस सॉन्ग। जिस बात को सुन नियो जेलस होकर बोलता है कि है पॉक, क्या तुमने अपना क्लब चेंज कर लिया है जो तुम यहाँ आकर बैठ गए हो। जिस पर पॉक भी चिढ़ते हुए जवाब देता है कि नहीं, बट अब मुझे 90s म्यूजिक क्लब में इंटरेस्ट है।
तो ये सुनियो गुस्से से पॉक को देखता है और फिर एरा से उसके साथ बाहर चलने को बोलता है। तो ये सुन पॉक और भी ज्यादा गुस्से से नियो को घूरने लग जाता है कि जैसे वो आज नियो को पंच मार ही देगा। बट एरा कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसका खुद उन दोनों के बीच बैठकर दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि नियो और पॉक दोनों ही कुछ ना कुछ बोलकर एक दूसरे से लड़े ही जा रहे थे। जिन दोनों को ऐसा लड़ता देख बाकी मेंबर्स भी हैरान होते हैं और फिर तभी एलन पॉक को क्लब मीटिंग के लिए बुलाता है। तो फिर पॉक उठकर वहां से चला जाता है, जिसके जाते ही नियो एरा का हाथ पकड़ उसको अपने साथ क्लब रूम से बाहर ले जाता है कुछ बात करने के लिए। जिन दोनों के वहां से जाने के बाद प्ले बहुत ही उदासी से अपने दोस्त यानी पॉक को देखता है कि भाई तेरा प्यार तो कोई और ले गया। वेल अब नियो एरा को एक रेस्टोरेंट लाकर उससे पॉक और उसमें से किसी एक को चूज करने के लिए बोलता है, क्योंकि नियो समझ चुका था कि पॉक भी एरा को पसंद करता है। बट इस बात पर एरा कुछ नहीं कहती क्योंकि वो तो खुद काफी कंफ्यूज हुई हुई थी। जिसके बाद फिर जब एरा अकेली बैठी हुई होती है तो पॉक उसके पास आकर उससे साथ में टेबल टेनिस खेलने के लिए पूछता है। बट एरा बहाना बनाते हुए कहती है कि मुझे गेम्स रूम तक जाने में आलकस आ रहा है। तो फिर पॉक एरा के साथ वहीं पर टेबल टेनिस खेलने लग जाता है, जहां खेलते हुए पॉक एरा को बताता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मेरे पास आई थी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके, क्योंकि अब वो फिर से मेरे साथ रिलेशन में आना चाहती है, बट मैंने उसे साफ मना कर दिया क्योंकि अब मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। जिस बात को सुन एरा कुछ नहीं बोलती क्योंकि एक तो एरा पॉक और नियो को लेकर कंफ्यूज है, ऊपर से उसके दिल में वो खुशी नहीं हो रही है जो उसको अपना प्यार मिल जाने पर होनी चाहिए थी। इसलिए एरा वापस घर आकर भी बहुत ही ज्यादा उदास हुई भी होती है, जिसे उदास देख उसकी मॉम उससे इसका रीजन पूछती भी है बट वो उन्हें कुछ नहीं बताती। जिसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब एरा स्कूल आती है तो वहाँ एलन और एरा को उनके क्लब रूम के बाहर एक नोटिस लगा हुआ दिखता है, जिस पर लिखा हुआ होता है कि उन दोनों के क्लब नेक्स्ट ईयर से कंटिन्यू नहीं होंगे, मतलब कि नेक्स्ट ईयर इन दोनों का क्लब बंद हो जाएगा। जिस नोटिस को देख ये दोनों ही बहुत बुरी तरह शॉक हो जाते हैं। तो आप सभी को क्या लगता है कि एरा अपने क्लब को बंद होने से बचा पाएगी एंड नियो और पॉक में से किसे अपना लाइफ पार्टनर चूज करेगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 11 यहीं पर एंड हो जाता है।